Hello student, so today we are going to start electrochemistry and our topic is Nernst equation. Nernst equation हम क्यों study करते हैं, हम यहाँ पे आज ये देखेंगे. हमारे पास पहले ही एक equation थी electrode potential को calculate करने की, फिर Nernst equation का क्या use हुआ, क्यों हमें Nernst equation की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, हमारे पास वो equation क्या थी, E naught cell equals to E cell cathode minus E naught anode. ये तो थी हमारे पास इक्वेशन. ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन थी वो किस पे थी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे थी. इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या, टेम्परेचर शुड बी रूम टेम्परेचर और 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm. ओके, दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशन. बट इफ स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी हुई है देन व्हाट, मतलब अगर प्रेशर 1 atm नहीं है तो, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है 298 केल्विन, तो वहां पे हम Nernst इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. ठीक है, टेम्परेचर अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि तीनों ही टर्म हो, अगर एक भी कोई कंडीशन नहीं फॉलो कर रही है तो वो नॉन स्टैंडर्ड केस बन जाता है. ठीक है, अब Nernst इक्वेशन का जो हम स्टार्टिंग करेंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक, एक हम थोड़ा सा रिकैप देखेंगे जो कि आप पहले पढ़ चुके हो. आपने क्या पहले पढ़ा था, वर्क डन निकाला था. ठीक है, और फैराडेज लॉ पढ़े थे. तो वर्क डन का हमारा क्या इक्वेशन आई थी, वर्क डन W इक्वल्स टू क्या आया था, क्यू इंटू वी. वी क्या था, पोटेंशियल. मगर यहाँ पे हम सेल के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इंटू ई सेल. ठीक है, फैराडेज लॉ में हमने क्या पढ़ा था, क्यू इक्वल्स टू एम एफ. एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या थी, 96500 कूलम. ठीक है, अब जो क्यू की वैल्यू है हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एन एफ ई सेल. ये हमारा आ गया वर्क डन. वर्क डन ये क्या था, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो क्या आ जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगी. अब जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, गिब्स फ्री एनर्जी के, बट नेगेटिव में. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वर्क डन होगा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, ये आ गया आपका वर्क डन. तो डेल्टा जी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होगी तो क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में. अब जो हमने ये स्टडी किया, रिकैप एक देखा छोटा सा, उसको हमको कहाँ पे यूज आएगा, Nernst इक्वेशन को डिराइव करने में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं Nernst इक्वेशन. Nernst इक्वेशन, Nernst इक्वेशन जो हमारी थी वो Nernst ने एक थर्मोडायनेमिक से इक्वेशन उठाई और उसी से केमिकल सेल के लिए एक इक्वेशन डिराइव की. क्या थी वे इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. क्यू क्या था, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट. ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, आपने इक्विलिब्रियम में देखा होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं कैसे, कोई भी रिएक्शन है मानो ए प्लस बी इक्विलिब्रियम में है, सी प्लस डी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर स्टोकियोमेट्री को दी होती थी तो हम उसको रेस टू दी पावर कर देते थे, यही करते थे. बट ये हम कब निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम के केस में. जहां पे इक्विलिब्रियम का नहीं केस होगा वहां पे हम क्या निकालेंगे, क्यू, रिएक्शन कोशिएंट. मींस क्यू और के दोनों ही इक्वल हैं बट
हम के निकालते हैं इक्विलिब्रियम के केस में और नॉन इक्विलिब्रियम के केस में हम क्यू निकालते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, जो हमने डेल्टा जी की वैल्यू निकाली थी अभी उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब जो हमारा आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के लिए निकालना है, तो ये एन एफ हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड डिवाइडिंग बाई माइनस एन एफ, हम दोनों ही साइड एन एफ से डिवाइड करेंगे, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ, जो कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आई फाइनल इक्वेशन हमारी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, ये आपकी फाइनल आ गई इक्वेशन, ठीक है। बट ये इक्वेशन आप वहाँ पे अभी हम, मैं इसका मॉडिफाइड भी इक्वेशन दूंगी, बट आप ये इक्वेशन इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे टेम्परेचर आपको कुछ अलग से मेंशन दिया हो, करा हो, ठीक है। बट अगर जहाँ पर भी टेम्परेचर 298 केल्विन मेंशन है, तो वहाँ पे आप उस मॉडिफाइड इक्वेशन को अप्लाई करके इजीली अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, टाइम आपका वहाँ पे वेस्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये आप कहाँ पे लगाओगे, जहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, ठीक है। अब जहाँ पे 298 केल्विन दिया हो टेम्परेचर, वहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, करोगे इसको भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन में आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। क्या है हमारी आर टी एन एफ है, आर की वैल्यू क्या होगी, आर क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू हम जूल वाली रखेंगे, बहुत सारी वैल्यू होती है ना, 0.08 वाली भी है और भी एटीएम वाली भी है, एल वाली भी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जूल वाली वैल्यू रखेंगे, कौन सी, 8.314, ठीक है। टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होगा, फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन क्या आएगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, क्या होगा, हमको इतने को रिप्लेस करना है, ठीक है, और इतने को रिप्लेस करेंगे, और साथ ही साथ हम अगर नेचुरल लॉग को रिप्लेस करके लॉग बेस 10 अगर लिखें, तो क्या होगा, हमारा नेचुरल लॉग को जब हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है, हम इतने से रिप्लेस करते हैं नेचुरल लॉग को, तो हम नेचुरल लॉग की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू तो हमारी रहेगी आर टी एन एफ 2.303 लॉग बेस 10 क्यू, बेस 10 ये लिखो या ना लिखो वो अंडरस्टूड होता है कि आप जो हो बेस 10 वाला ही लॉग ले रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब चूंकि ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, हमारा फाइनल आएगी हमारी 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 क्यू, ठीक है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, कब, जब ये आप वैल्यू अप्लाई करोगे, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, रूम टेम्परेचर दिया होगा, वहाँ पे वो मेंशन करके रखेगा, अगर उसे कुछ अलग से देना है टेम्परेचर तो वो मेंशन करेगा, तब आप ये वाली इक्वेशन लगा दोगे, ठीक है। अब जो लास्ट इक्वेशन है वो दो तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं, हाफ सेल में भी करते हैं, कंप्लीट सेल के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो वन बाई वन हम देखेंगे हाफ सेल के लिए और कंप्लीट सेल के लिए। आपने डेनियल सेल पढ़ा होगा, डेनियल सेल में क्या था, डेनियल सेल में दो बीकर थे, ब्रिज सॉल्ट से कनेक्टेड थे और इलेक्ट्रोड था, ठीक है, एक एनोड था और दूसरा कैथोड था और बैटरी से कनेक्टेड थे, ठीक है। एक तरफ क्या था, एनोड, एक तरफ क्या था, कैथोड। एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन। ये जो
सेल है ना, इसको याद करने का एक बहुत ही इजीएस्ट वे है कि आप कैसे समझोगे कि किधर एनोड है किधर कैथोड है, आप ये याद कर लो। लोन, लोन में क्या होगा, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, एनोड। लेफ्ट साइड जहां पे एनोड होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड होगा, एनोड होगा। अभी फिलहाल आपको इतना ही यूज में आने वाला है। अब देखो हाफ सर्कल का मतलब क्या था, हाफ सर्कल का मतलब हमने एक ही इलेक्ट्रोड को लेकर चलना है। एक तरफ क्या हो रहा है हमारा, जिंक, जिंक था यहाँ पे, कोई सोल्यूशन भरा हुआ था, इस वाले में कोई सोल्यूशन भरा था, जिंक था, तो जिंक क्या क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन क्या बन रहा था, जिंक प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन, यही तो बन रहा था। ये हम किसने पढ़ रहे थे, डेनियल सेल में, जब हम सेल रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिएक्शन लिख रहे थे। ठीक है, बट जब हम यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो हम इस फॉर्म में रिएक्शन को हम नहीं लिखेंगे, हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने कैसे देखा है, लिथियम इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट लिथियम, कोई भी वैल्यू थी माइनस थ्री पॉइंट समथिंग करके थी जो भी वोल्ट में थी। ठीक है, टू एफ प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी एफ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या था, टू एफ माइनस पॉजिटिव में टू पॉइंट समथिंग जो भी थी वोल्ट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा है, मुझे क्लियरली नहीं रिमेम्बर है, लेकिन थ्री पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे टू पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो हमको इस वे में हमको सेल के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक, तो जब अगर हमको हाफ सेल के लिए जिंक के लिए हम मानो निकाल रहे हैं, तो जिंक के लिए हम क्या लिखेंगे रिएक्शन, जिंक जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट जेड एन, ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे, और ये क्या था सॉलिड, ये क्या था एक्वस, ये सॉलिड था, ये क्या था एक्वस, यही तो था। अब देखो हम यहाँ पे क्या, जो क्यू है, क्यू का मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, क्यू को लिख सकते हैं प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब हम यहाँ पे रिएक्शन को प्रोडक्ट और इस तरीके से लिखेंगे ना, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिखते थे, तो अगर कोई भी हमारा जो भी सॉलिड होगा उसको हम क्या मानते हैं, यूनिटी। क्यों, क्योंकि हम कंसंट्रेशन किसके लिए पढ़ते हैं, सॉल्यूशन के लिए, और अगर पार्शियल, अगर गैसेस के लिए पढ़ते हैं तो वो पार्शियल प्रेशर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, या तो सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं या तो गैसेस फॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं, मगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ही फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना। तो अगर सॉलिड फॉर्म वहाँ पे आएगा तो हम उसको यूनिटी मानते हैं, यूनिटी मीन्स वन, जहाँ पे भी सॉलिड होगा हम उसको क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं इस वाली रिएक्शन के लिए, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, क्या था हमारा प्रोडक्ट, क्या था जेड एन सॉलिड अपॉन रिएक्टेंट, क्या था जेड एन प्लस टू एक्वस। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँ, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे न्यूमेरिकल आएगा, देखो ई सेल आपको गिवन होगा, वहाँ पे आपको ये ई सेल निकालना होगा, स्टैंडर्ड वाला दिया होगा, और ये जो ई सेल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको लिखना होगा, और ये आपको वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन मानो आपने दी हुई है 0.1 मोलर। ठीक है, ई सेल आपको, ई नॉट सेल आपको गिवन है जीरो। ठीक है, और एन कहाँ से पता चलेगा, एन कितने हैं, टू इलेक्ट्रॉन, जितने रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो आपके एन हो गए। ठीक है, तो अगर आप इसको अप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा ई सेल इक्वल्स टू जीरो, जीरो वैल्यू थी, माइनस 0.059 बाई एन कितना था, टू लॉग
अब जेड एन ऐसे सॉलिड फॉर्म में मैंने क्या कहा था, अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो क्या होगी, वैल्यू वन हो जाएगी। और इसका कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ, 0.01 मोलर। अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और इसको कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4, आएगा 2 और 9, ठीक है, इस तरीके से कुछ आ जाएगा 0.029, ठीक है। तो आपका ये आ गया और लॉ की वैल्यू वन आती है, तो ई सेल कितना आ गया आपका कैलकुलेट करने के बाद कितना, ठीक है। ये क्या था, हाफ सेल के लिए। अब कंप्लीट सेल की अगर हम बात करें, कंप्लीट सेल में क्या होता है, कंप्लीट सेल के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट सेल हमारी, और हाँ क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हाफ सेल जो सेल हम लिख रहे थे ना यहाँ पे ई सेल, अगर हम हाफ सेल की बात कर रहे हैं, सेल का मतलब क्या, कंप्लीट सेल हो गई। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ई एम एन जो भी आपका मेटल हो इस तरीके से, या एन यहाँ पे मानो क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पता है एक, ठीक है ना, हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो भी हमारी वैल्यू आई थी, क्या आई थी, 0.059 log q, इस तरीके से हम हाफ सेल के लिए लिख सकते हैं, लिखते हैं, सेल का मतलब कंप्लीट सेल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम कंप्लीट सेल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, हम दो सेल लेते हैं, एक एनोड एक कैथोड, डेनियल सेल में अभी देखा तो एक तरफ क्या हो रहा था, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्या बना रहा था, Zn +2 +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था कॉपर। ये कहाँ हो रहा था, एनोड पे, और ये कहाँ हो रहा था, कैथोड पे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि नर्स्ट इक्वेशन के लिए हम रिएक्शन को इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हमको उसी फॉर्म में लिखना है जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं, तो हम क्योंकि हमको ईजी रहता है, ठीक है, लिख आप ऐसे भी सकते हो वैसे भी सकते हो, बट ईजी रहता है, कभी गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा गलत होने के चांसेस कम रहे। Zn +2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn एनोड। अच्छा, अगर जो भी वैल्यू आपकी दी होगी ना, अगर इस फॉर्म में दी हुई है, ई सेल की कुछ भी वैल्यू दी हुई है, ई सेल की वैल्यू अगर दी हुई है पॉजिटिव में, ठीक है, तो जब इस फॉर्म में लिखोगे ना तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, वैल्यू भी बदल जाएगी जब आप रिएक्शन को उल्टा करके लिखोगे, ठीक है। अब देखो इसको उसमें कैसे अप्लाई करना है, अगर हम इसके लिए ई सेल निकालें तो क्या होगा, क्या होगा, Zn +2 Zn E0 Zn +2 Zn -0.059/2, क्या आया था, log, आप n लिख दो यहाँ पे डायरेक्टली, n लिख दो या 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो तो कॉमन आके अभी सॉल्व ही हो जाना है। फिर यहाँ पे क्या था, ये था आपका एक्वस, ये था आपका सॉलिड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट था अपॉन रिएक्टेंट, यही का था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमको कॉपर के लिए, ये हमने निकाला किसके लिए, एनोड के लिए, अब हम कैथोड के लिए निकालेंगे, कॉपर के लिए, तो क्या आएगा, ये आएगा कॉपर +2 कॉपर -0.059/2/2 log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या था, ये आपका एक्वस, ये आपका सॉलिड, क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड फॉर्म में अपॉन Cu +2 एक्वस, ठीक है। अब चूंकि ये आपके आगे इक्वेशन 2 सॉलिड फॉर्म में है तो 1-1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, यहाँ पे तो कंप्लीट सेल के लिए निकालना है, तो दोनों ई सेल को क्या करेंगे, हम ई सेल वाले फॉर्मूले में रखेंगे। ई सेल का क्या फॉर्मूला था, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो था, तो अब हम इन दोनों को उसमें रख देंगे क्योंकि हमको कंप्लीट सेल के लिए, ये दोनों हाफ हाफ सेल थी, हम उनको कंप्लीट सेल बना रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यही तो था।
अब ई नॉट कैथोड वाला कौन सा था, ये वाला था, तो इसको लिखेंगे ई कॉपर प्लस टू सी यू इक्वल्स टू, सॉरी माइनस क्या था, ये लिख देंगे 0.059 बाई टू लॉग कॉपर सॉलिड कॉपर प्लस टू एक्वस माइनस, अब एनोड वाले लिखेंगे ए नॉट जेड एन माइनस 0.059 बाई टू लॉग जेड एन सॉलिड बाई जेड एन प्लस टू एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो वैल्यू आपकी सब्सटीट्यूट हो जाएगी क्योंकि सॉलिड फॉर्म में, तो ये वन हो जाएगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में, तो क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी वैल्यू, यूनिटी हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, इसको मैं रफ कर रही हूँ। अब क्या आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद देखो, इसको अगर हम एक साथ लिखें इस वाले पूरे वैल्यू को, तो हम ये लिख सकते हैं ये ई नॉट था, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, ई नॉट सेल आप इसको लिख सकते हैं कंप्लीटली, इसकी वैल्यू गिवन होगी, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू थी ये ई नॉट सेल आ गई, इसको इस वैल्यू को आप कॉमन ले लोगे 0.059 बाई टू, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, माइनस में था, क्या हो जाएगा लॉग, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में क्या होता है, डिवाइड होता है, ये वाला पोर्शन क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो जेड एन ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा जेड एन प्लस टू एक्वस में डिवाइडेड बाई लॉग कॉपर प्लस टू, ठीक है, ये कैलकुलेटेड फॉर्म में मैंने लिख दिया। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, ये क्या है आपकी जेड एन, ये आपका एनोड वाला है, और एनोड का मतलब क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है कैथोड वाला है, और क्या है रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हम जनरलाइज वे में अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड कंसंट्रेशन हो, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी मेन इक्वेशन हो गई फॉर कंप्लीट सेल, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जहां भी डाउट हो आप कभी भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और ये आप अप्लाई करके देखिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, तो थैंक यू।